अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बहनें कैसी हैं। ये है जी मेरी जॉब प्लेस जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, और मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। जी हाँ, ये हमारा स्टाफ रूम है और हम स्टाफ रूम में फ्री पीरियड में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। इतनी गर्मी है लेकिन यहाँ पर क्योंकि AC लगे हुए हैं, पंखे चलते हैं, तो पंखे तो हर जगह पे चलते हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पुरसकून माहौल है और बहुत ही अच्छा फील होता है। जब हम क्लास से निकल के यहाँ पे आते हैं तो थोड़ी देर एक पीरियड जो है वो रेस्ट करती हैं, चाय पीती हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ अपना स्टाफ रूम जो है वो भी शेयर किया जाए। तो व्यूवर्स, ये था हमारा स्टाफ रूम और अब हो गया है जी छुट्टी का टाइम। और पहले यहाँ पे आ गए थे, ये है जी पार्किंग प्लेस। यहाँ पे साइकिल्स, बाइक्स, गाड़ियाँ सारी पार्क हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा है कि आज हम जो आज का ब्लॉग जो है वो चिंची स्पेशल है। तो आज जो है वो मैंने ऑर्डर भी नहीं करवाई और पैसे भी लेने नहीं आएंगे। तो आज जो हम सफ़र करेंगे वो चिंची का करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ग्राउंड भी दिखा दूँ। बच्चे जो हैं बहुत खुश होते हैं ग्राउंड खेल के। ये है जी DPS स्कूल और ये है उसकी टाउनशिप ब्रांच जहाँ पे मैं टीच करती हूँ। और मेरे बेटे और बच्चे मेरे तीनों यहाँ पे मेरे साथ होते हैं लेकिन आज वो नहीं आए। तो मैंने सोचा क्यों ना चिंची का सफ़र जो है वो इंजॉय किया जाए। तो बच्चे यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है लेकिन बच्चों को खेलना क्योंकि बहुत पसंद है तो इसलिए वो लास्ट पे भी खेल के ही घर जाते हैं थोड़ा सा इंजॉय करके। तो धूप तो बहुत है, गर्मी भी बहुत है लेकिन अभी थोड़ी सी हवा चल रही है। तो व्यूअर्स, आपको मैं दूसरा ग्राउंड दिखाती हूँ क्योंकि इसमें तो ज़रा बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी जगह खुली है लेकिन वहाँ पे बच्चों को जाना जो है वो मना है। ये वाली प्लेस है जी, यहाँ पे अनार के दरख्त हैं, मौसमी के दरख्त हैं, अमरूद के दरख्त हैं। तो टीचर जो हैं वो भी बाय बाय कर रही हैं, दूसरे को लाफिस कर रही हैं बेस्ट विशेस के साथ। तो यहाँ पे जो है उस ग्राउंड में बच्चों को थोड़ा सा जाने नहीं देते क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर तोड़ते हैं। तो इस वजह से बच्चे फल ना तोड़े, पत्ते ना तोड़े, क्योंकि बहुत से गमले भी बच्चे तोड़ देते हैं। इस वजह से काफ़ी सिक्योरिटी है, ख्याल भी रखा जाता है और बच्चों को मना भी किया जाता है। ये हम स्कूल से बाहर निकल आए हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो पैदल मार्च करना पड़ेगा। तकरीबन जो है 10 मिनट हमें लगेंगे इस स्टॉप पर जाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज का व्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ये जो है चीज़ हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो व्यूअर्स, धूप भी कड़के की है लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। आज मैं आप थोड़ा सा बंदे की जो है कि बैठे उससे प्रॉब्लम दिखाने के लिए क्योंकि ये यहाँ
घर जाने में अभी जो है स्टॉप आने में तकरीबन 5 मिनट हैं, तो यहाँ पे रिवर्स मैं उतर गई हूँ, लेकिन अभी घर जाने में मुझे मज़ीद 10 मिनट जो हैं वो पैदल चलना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं।